गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे सत्तू बीच के करियर एपिसोड नंबर 4 के अंदर। तो भाई मैं चैंपियन बन के फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, बिकॉज जब से मैं कोडी रूट्स को हरा के चैंपियन बना हूँ तब से मुझे केविन ओवेंस जैसा अपोनेंट मिला है, जिसके साथ 3 मैच लड़ चुका हूँ, तीनों में उसको हरा चुका हूँ। फिर उसके बाद अस्टिन थेरी जैसा जानवर आके मेरे पीछे से मेरे को वार करता है, फिर मेरे को उसके सामने भी अपनी टाइटल डिफेंड करनी पड़ती है। बताओ ऐसे ऐसे अपोनेंट मिल रहे हैं, क्या करूँ मैं? अरे मेरे को क्या मालूम। तो गाइस हमारे सत्तू बीस्ट अपनी चैंपियनशिप लेके आ चुका है। भाई तेरा चश्मा कहाँ है? चश्मे के बिना घर के बाहर नहीं निकलने का बोला तेरे को? ये बाबूराव का स्टाइल है। तो भाई मीज अपने लिए कोई अनाउंसमेंट करना चाहता था, उससे पहले सत्तू बीस्ट आके उससे पूछ रहा है कि तुम क्या अनाउंसमेंट करना चाहता है, सीधे आके बता। ये कोई बिग सरप्राइज तो नहीं है हमारे लिए? कम ऑन मीज। भाई ये क्या हुआ? भाई मत बोलना, ये मत बोलना, वो कैन। ओके पक्का ये कैन ही है ना? अरे पीछे आ गया, पीछे देख बे तेरी यार। भाई एक सेकेंड भाई, नहीं 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 नहीं, चॉक स्लैम नहीं नहीं नहीं। ओके भाई अपने सत्तू बीच ने, चलो भाई कट सीन चालू है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे अभी। भाई सत्तू बीच, ओके भाई उधर में चेयर कोर रखा था पहले से, आ जा। ओके अब हम कंट्रोल कर रहे हैं ये ले। अरे यार चैंपियनशिप से मारने तो देता। टेक द फाइट टू कैन विद द स्टील चेयर। ओके स्टील चेयर से मारने दे तब ना। ये ले हम फिर भी मारेंगे तेरे को। ले लाते खा सत्तू बीस्ट की। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी कैन, सत्तू बीस्ट से तेरा पाला पड़ा है। तो भाई ऑब्जेक्टिव मिला है चेयर से मारने का, ये ले लिया हमने चेयर, चेयर से मार भी दिया। ओके अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? इरिश व्हिप कैन नियर द। ओके भाई फिर से कट सीन चालू। ओके भाई कैन ने पटक दिया यार स्टील स्टेप्स के ऊपर। नहीं 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 भाई कैन बहुत ज्यादा डरावना है भाई, कितना बड़ा है ये। अबे चॉक स्लैम देगा मेरे को स्टील स्टेप पे। नहीं नहीं देख भाई, नहीं 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 नहीं, छोटा बच्चा हूँ यार, अभी तो डेब्यू किया है, तेरी तरह नहीं हूँ। नहीं मर जाएगा अबे भाई। 22 साल कितना बड़ा लेजेंड है भाई, ऐसे कोई थोड़ी। भाई हम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, हमारे सामने ऐसे ही अपोनेंट हमें सोचने चाहिए चैंपियन बनने से पहले। एक सेकेंड भाई, चैंपियन बनने से पहले रे, अभी चैंपियनशिप मेरी है, उस पर गंदी नजर मत डालना, उस पर गंदी नजर मत डालना लाल दानव। ओके हमारा सत्तू बीच पड़ा हुआ है, कैन ने आग लगा दी है रिंग के अंदर। भाई आज के तो एपिसोड के स्टार्टिंग में इतना कुछ भयानक देखने को मिल गया है, पता नहीं आखिरी तक क्या क्या होगा। ओके डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो, हे डॉम व्हाट्स अप, आई नो थिंग्स स्टार्टेड ऑन रफ बिटवीन अस गोइंग फॉर द WWE यूनिवर्सल टाइटल। ओके तो भाई हमारे करियर के स्टार्टिंग में जो हमारा पहला मैच था, हम लोगों ने डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ में लड़ा था, और अब शायद डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर आके हमें बता रहा है कि मिज ने कैन को हमारे पीछे लगा दिया है, वो हमें एडवाइस दे रहा है कि हम उसका सपोर्ट ले। तो भाई क्या बोलते हैं आप लोग, हम लोग को इसका सपोर्ट लेना चाहिए कि नहीं? भाई फिलहाल के लिए हम लोग स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, इसकी बकवास और नहीं सुननी। ओके लीटा, भाई अब लीटा से हमारी बातचीत होगी, एक और WWE की लेजेंड। तो गाइस लीटा हमें हेल्प करने वाली है कैन के साथ होने वाले मैच के अंदर, के रिलेटेड यहाँ पे बातचीत चालू है। सो लॉन्ग बिफोर आई केम WWE एंड मेट कैन, आई एनकरेज्ड द सिमिलर मॉन्स्टर आउट इन दिस जग। आर यू मेसिंग विद मी? नॉट एट ऑल, I made some calls and found him, so we are going to Mexico. If you can survive the flame, you might be able to defeat my dear ex-husband. Ken की तरह कोई और एक monster है जिसकी बात शायद लीटा कर रही थी, और उसके लिए हमें Mexico जाना है। देखते हैं क्या होता है अभी story में आगे। के ये कौन सी जगह है भाई? भाई ये क्या जी WWE के game में ही है ना हम लोग? Okay, भाई ये लाल, अबे भाई ये तो कैन की तरह बोला था, ये तो खान बाबा की तरह है। अबे यार किसको दे भेज दिया भाई, हर लाल मास्क पहना हुआ बंदा कैन नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, अपना सत्तू बीस्ट आ चुका है, बट भाई यहाँ पे आग नहीं जलेगी भाई, ये सस्ती जगह पे हम लोग आ गए हैं रेसलिंग करने के लिए, और लीटा भी हमारे साथ में है, लीटा यानी कि हमें गाइड करने वाली है भाई। ओके तो इस बंदे को हमें हराना है, गेट रेडी फॉर कैन बाय बीटिंग दिस मॉन्स्टर। अबे हम अगर ये मॉन्स्टर है तो हम भी सुपरस्टार है, हम भी बीस्ट है। चल भाई ये ले लात। अरे भाई मेरी लात में गिरा नहीं। ओके एक और लात भाई, पर ये उस लात में क्यों नहीं गिरा? मतलब मॉन्स्टर में जरूर कुछ तो दम है, इसके वजह से लीटा हमें इसके साथ में लड़ने के लिए लेकर आई। ये उठा लिया मॉन्स्टर ने। अबे छोड़ बे, छोड़ कवर पकड़ता है ये ले। तेरा मास्क उतार दूंगा। अब एक हाई फ्लाइंग एक्शन,
भाई ऐसा लग रहा है किसी गद्दे के ऊपर जंप कर रहा हूँ मैं। भाई ये क्या है भाई, इसने फिनिशर दे दिया क्या? अरे यार भाई ये ना इंसाफी है। एक सेकंड भाई किक आउट करो पहले। भाई दो किक आउट हो, दो नंबर काउंट हो गया तेरी। इतनी आसानी से तो मैं तेरे को जीतने नहीं दूंगा। बात नहीं, ये ले सिग्नेचर। क्या ये लगा स्वीट किड म्यूजिक? अरे खत्म है भाई, बस एक बार कवर कर दे, पिन कर दे मेरे भाई। कम ऑन, लीटा भी अब आ चुकी है ऊपर। भाई लीटा क्या कर रही है, खेल खत्म कर दिया मैंने इसका। ये लीटा ने मुझे बोला था अगर मैं इसे हरा दूंगा तो मैं कैन से लड़के उसको भी शायद हरा सकता हूँ, तो मैंने इसको तो हरा ही दिया। इसका मतलब कैन में भी ज्यादा कुछ दम नहीं होगा, बस मास्क पहन के आ जाता है। भाई बहुत सारे कैन के फैंस ऑफेंड होने वाले इस वीडियो के बाद। ओके भाई यहाँ पे माइक द मिस का भी ट्वीट आ चुका है। ट्रेनिंग विद लीटा इन मैक्सिको, सीरियसली दैट्स योर प्लान सत्तू बीस्ट? वर गोइंग टू नीड मोर हेल्प देन दैट बिकॉज आई एम मेकिंग योर मैच विद कैन अ कास्केड मैच। ओके ओके ओके, इसका मतलब जो हमारा सत्तू बीस्ट का और कैन का मैच होने वाला था वो अब होगा एक कास्केट मैच। कास्केट मैच आप लोग को पता ही होगा अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो देखी होगी। इसके अंदर हमें अपने अपोनेंट को कास्केट के अंदर डाल के कास्केट को लॉक करना होता है, तब जाके मैच का रिजल्ट निकलता है। एक बार फिर से लीटा हमारे सामने खड़ी है, इस बार क्या बोलने आई है? Umbrella Limbroja is a legend, a monster, as rough as you are feeling. Yeah. It's gonna be worse with Ken, especially now that its cards came out. भाई सबके सब मेरे को डराने के लिए क्यों बैठे यार? पिछला वो जो भोंदू आया था हिप्पोपोटामस, उसको भी हराने से पहले इसने मेरे को बहुत डराया था। अब कैन के लिए भी डरा रही है, ऊपर से कास्केट मैच के लिए बोल रही है। उसका ओन गेम है, खुद का गेम है, उसके खुद के गेम में कैसे रहे? मैं सबको हरा दूंगा, मुझे बस कॉन्सेंट्रेट करने दो। आज कैन से बदला लेना है भाई। उस बंदे ने, उस 7 फीट के मॉन्स्टर ने मेरी जो हालत की आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में, मैं सोच रहा हूँ आज के आज ही उसे खत्म कर डालता हूँ। अच्छा ये देखो आ गया आग लगा के। आज पता चल जाएगा इस मैच के बाद कि असली आग लगाने वाला रेसलर कौन है, कैन है या फिर सत्तू बीस्ट। फिलहाल तो कैन ही आग लगा रहा है। लेट्स गो, कैन की आग तो आप लोग ने देख ली, अब देखो सत्तू बीस्ट की आग। इसकी रेसलिंग में ही एक आग है। लेट्स गो, अभी मजा आएगा ना बेड़ू। ओके अब हमारा कास्केट यहाँ पे आता हुआ और यहाँ पे मैच शुरू। वीकेन द बिग रेड मशीन। ओके इतना वीक कर देंगे कि वीकेन शब्द भी छोटा पड़ेगा। भाई कितनी लाते मारूंगा। अरे यार भाई सही में यार वो मोटू के साथ में लड़ना मुझे लगता है वेस्ट नहीं गया, बिकॉज जिस तरीके से वो हमें ढकेल रहा था मैच में, सेम टू सेम कैन भी वैसे ही ढकेल रहा है। ये ले फटका। अरे भाई ये भी हमारी किक में नहीं गिर रहा है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह ही लग रहा है यार। अब मेरे को समझ में आ रहा है लीटा ने हमें उसके साथ में क्यों लड़वाया था। अरे भाई ये काले के जा रहा है। अरे यार कास्केट पे फेंक दिया मेरे को, इतनी लाते मारी मैंने मैच के स्टार्टिंग में इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओके तो मेरे को कास्केट के नीचे फेंकेगा, मैं कास्केट से ही चढ़ के ऊपर आ जाऊंगा। ये ले ओके लात नहीं, अब तो हाथ मारेगा बीस्ट मोड ऑन। कम ऑन डिश भाई, एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, यूज ब्रास नकल्स ऑन कैन। ये ले पहले तो सुपरमैन पंच। ओके ये भाई इसमें तो अपन मनी 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 वाला डांस भी कर सकते। ओके अंडरटेकर वाला भी। अबे मेरी लात रोकेगा, मेरी लात सत्तू बीच की लात रोक सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। ओके भाई ब्रास नकल्स क्या यही है? ये रहा। ओके अब जाके मैं समझा ब्रास नकल्स मारना भाई, बट इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ, सीधा कैन ने मेरे को डाल दिया कास्केट के अंदर। नहीं 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 नहीं, ये वाला तो मेरे को लगता है मैं नहीं गया। ओके स्विच चेन म्यूजिक कम ऑन। ओके अब ज्यादा लेटे रहने का टाइम नहीं है, ये आखिरी मोमेंट है। पूरी रिंग देखो खून से लथपथ हो चुकी है। चल अरे वहां का फेंकता है बे सत्तू बीस्ट यार तू भी। चल सीधा कास्केट के बाहर फेंकने का है, ये ले। ओके अरे यार रिंग के अंदर, नीचे से उसको उठा के लेके जाऊंगा कास्केट के अंदर। अरे फिर से, मेरे को मालूम था इतना लंबा रास्ता वो नहीं चलने वाला है, छोटे बच्चे की था ये मार देगा और मैं भी रिवर्सल दे देगा। भाई गजब का रिवर्सल यार, अगर यहाँ पे मेरे को पावर बम्प पड़ा होता ना तो शायद मेरा कुछ नहीं हो पाता, बट अभी मेरे पास एक फिनिशर बचा है बस, और एक रिवर्सल कर दूं और एक फिनिशर। ओके ये वाला फिनिशर भले ही अजीब गरीब है बट फिनिशर भाई ये बेबस कर दिया है, अधमरा कर दिया है मेरे कैन को। इस मोमेंट पे अगर जाके ये बंदा लॉक नहीं होता ना, फिर तो भाई अंडरटेकर को आना पड़ेगा। चलो बंद करो इसको,
भाई मैं जानता हूँ कि केन का मैच है कास्केट मैच, वो अपने मैच में खुद नहीं हारेगा, बट सत्तू बिष्ट अगर सामने तो उसको भी हारना पड़ेगा। द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप Champion, let Ken to rest in peace. I can't believe he defeated the big red machine. You have to believe. What an incredible match. Sure, but let's not gloss over. Come on, Corey. एक सेकेंड भाई, म्यूजिक बंद। अरे रोमन रेंस, आइला रोमन रेंस प्रभु, आप कहाँ से आ गए दर्शन देने? ब्रावो, कॉन्ग्रेचुलेशन, द डार्क हॉर्स मैनेज टू विन अनदर फेस। ओके, तो जैसा हम लोग ने बोला था स्टार्टिंग में कि रोमन रेंस हॉलीवुड में जा चुका था, देखो पीछे हॉलीवुड का पूरा सेटअप लग रहा है, शूटिंग चालू है। पर भाई एक सेकंड, रोमन रेंस बोल क्या रहा है? द लॉकर रूम हैज नॉट फॉरगेटन द WWE यूनिवर्स हैज नॉट दैट दे वांट यू कैन होल्ड माय WWE यूनिवर्सल टाइटल फॉर अ ईयर, टू ईयर्स, व्हाई नॉट थ्री, इट डजंट मैटर, यू आर जस्ट अ टेनेंट, आई एम द लैंडलॉर्ड। You are holding something that doesn't belong to you because its owner has other interests for now. Later, champ. Roman Reigns ने आके चेतावनी दे दी है सत्तू बिष्ट को। असली चैंपियन रोमन रेंस है जो कि 3 साल तक चैंपियन रहा, और वो सत्तू बिष्ट को कुछ समझ ही नहीं रहा है। उसको लग रहा है वो बस ऐसे ही चैंपियन बन चुका है। भाई इतने लंबे, इतने भारी भारी मैच डिफेंड कर रहा हूँ, तो क्या अगला अपोनेंट हमारा सीधा रोमन रेंस होगा? भाई ये था हमारा आज का सत्तू बिष्ट का करियर मोड पार्ट 4। पार्ट 5 के लिए अगर आप एक्साइटेड हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी धमाकेदार एपिसोड में।